नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति को बिना किसी सूचना के बंद किए जाने के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। इसको लेकर कांग्रेस ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह से बात की गोन्यू संवाददाता आदेश रावल ने। सर, 24 और 25 तारीख को गांधी स्मृति को बंद कर दिया गया और बाहर एक लगाई गई सूचना, लेकिन उसके कारण का जिक्र नहीं किया गया कि ऐसा सरकार ने क्यों किया। देखिए, अफसोसजनक और चिंताजनक है कि गांधी स्मृति को बंद किया गया क्योंकि वीएचपी की वहाँ मीटिंग चल रही थी। ये देश, हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं और उनके आदर्शों पे देश को चलना चाहिए, और प्रधानमंत्री भी अपने भाषणों में कहते हैं आदर्शवादी और महात्मा गांधी के आइडियल्स की बात करते हैं, और जब इसी तरह की घटनाओं के लिए गांधी आश्रम बंद कर दिया जाता है, इसके लिए दुखद और चिंताजनक क्या देश के लिए हो सकता है। देखिए, हम हमेशा गांधी जी के आदर्शों पर चलें और उनके आदर्शों पर चलने का काम हमारे नेताओं ने हमेशा किया है। ऐसी चीज़ें होती है, कांग्रेस ने हमेशा ऐसी चीज़ों पर प्रोटेस्ट किया है, और जो विचारधारा गांधी जी की रही है उस देश को हमने उसको आगे बढ़ाने का काम हमेशा किया है। तो ये थे आरपीएन सिंह। हालांकि इस बात का जिक्र नहीं किया गया था कि गांधी समिति को बंद क्यों किया गया, उस पर सूचना नहीं लगाई गई थी, लेकिन कांग्रेस का मानना है कि वहां वीएचपी की मीटिंग चल रही थी, इसलिए उसे बंद कर दिया गया। दिल्ली से आदेश रावल, गो न्यूज़।